तपोवन संस्कृत पाठशाला आयोजित जीवन के लिए कुछ रहस्यपूर्ण बातें। लोभ भाग दो। क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में सबसे अधिक दुखी कौन है? इसका जवाब एक ही है कि अतुल संपत्ति का मालिक होने पर भी जो असंतोषी है वह सर्वाधिक दुखी है, दरिद्र है। लोभी को जो जो मिले त्यों त्यों असंतोष ही होगा। वो कहा है ना कि द मोर दे गेट द मोर दे वांट। उन्हें जो जो अधिक मिलेगा त्यों त्यों अधिक धन पाने की इच्छा बढ़ती ही जाएगी। आपको पता है कि स्पृहा तूषणा ही सर्व दुखों को निकट लाती है। स्पृहा रहित सामान्य व्यक्ति भी महान दुख का अनुभव कर सकता है और स्पृहा युक्त धनाढ्य व्यक्ति भी महान दुख का ही अनुभव करता है। अति लोभी व्यक्तियों को शिक्षा देते हुए किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि आया था जो सिकंदर दुनिया को ले क्या गया, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन से निकले। राजाओं के राजा और मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर चले गए तब दोनों हाथ खाली थे। एक बात ध्यान से समझ लो कि मनुष्य को तीन जगह पर खूब संतोषी बनना चाहिए। एक, अपनी पत्नी में संतोष भाव धारण करना चाहिए। दो, भोजन में संतोषी बनना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में आहार लेने से अजीर्ण होता है और उसके अनेक रोग पैदा होते हैं। तीन, धन के विषय में संतोषी बनना चाहिए, क्योंकि धन का अधिक लोभ व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाता है। धन का लोभ विनाश के मार्ग पर ले जाता है। धन कैसे विनाश के मार्ग पर ले जाता है उसका दुष्टांत नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।